9 दिसंबर को लिटिल एंजल्स स्कूल सोनीपत के सीनियर स्कूल छात्रों की ओर से वार्षिक समारोह में शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 30 सालों की इस यात्रा के दौरान स्कूल ने सफलता की अनेक ऊंचाइयों को छुआ है। खेल जगत और शिक्षा के क्षेत्र में लिटिल एंजल्स स्कूल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। आइए आपको दिखाते हैं लिटिल एंजल्स स्कूल के एनुअल फंक्शन की अहम झलकियां। सोनीपत के लिटिल एंजल स्कूल में वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। हर सुविधा से लैस स्कूल में देश के भविष्य तैयार किए जाते हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के अलावा करनाल के मधुबन में आईजी, एचपीए, आईपीएस डॉक्टर राजश्री सिंह और सोनीपत के सीएमओ डॉक्टर जय किशोर शामिल हुए। इसके अलावा खास तौर पर इस कार्यक्रम में लिटिल एंजल स्कूल के सचिव डॉक्टर विशाल गर्ग, प्रिंसिपल आशा गोयल के अलावा स्कूल प्रबंधन के मेंबर्स और गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल हुए मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। इस बार का वार्षिक उत्सव सॉन्डर एम्बैरेसिंग द टाइमलेस एंजल्स इंटरनल जर्नी ऑफ द डिफरेंट सोल थीम पर आधारित रहा। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति यदि चाहे तो दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से रिटायर होने के बाद भी अपनी यात्रा, अपने कर्म को जारी रख सकता है। आशा की एक नई किरण किसी को भी सर्वोच्च पद पर पहुंचा सकती है। साथ ही ये भी दिखाया गया कि अपनों के साथ से ही व्यक्ति नए जोश और उत्साह को महसूस कर सफल जिंदगी जी सकता है। इस समारोह में बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुतियां दी। छात्रों ने अपनी प्रतिभा से सबका मन मोह लिया। लिटिल एंजल स्कूल में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है और ये 30 सालों से लगातार पूरे देश प्रदेश देखता आया है। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि ने अपने व्यक्तित्व के दौरान स्कूल के 30 साल पुराने होने पर इस शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। स्कूल के सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल गर्ग ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के अलावा अभिभावकों का धन्यवाद किया। उन्होंने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर अपना आभार प्रकट किया। सभी पुरस्कृत छात्रों और खिलाड़ियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। साथ ही डॉक्टर विशाल गर्ग ने छात्रों की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम की प्रशंसा की। स्कूल की प्रिंसिपल आशा गोयल ने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने छात्रों के प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।